लिए आज जनता चुनाव लड़ रही है, नेता नहीं लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ही रायबरेली में भगवा लहराएगी। 80 में 80 सीट में रायबरेली की उस माला में, उस गुरिये में रायबरेली भी गूथी नजर आएगी और आपकी कांग्रेस का यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। कांग्रेस यहाँ से निश्चित तौर पर हारेगी। कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से बने, यहाँ से उसका सुपड़ा साफ, बोरिया बिस्तर अब की बंधना तय है। अब की रायबरेली में कमल खिलेगा खिलेगा खिलेगा। माननीय तो गढ़ है कांग्रेस का, गढ़ है, जब कभी था था, अब गढ़ किसी का नहीं है। अब ये गढ़ आप देखिएगा आने वाले 20 मई को, और जब 4 जून को रिजल्ट निकलेगा निश्चित रूप से यहाँ पर कमल खिल करके माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली प्रियंका वाड्रा इस बार अगर चुनावी ताल ठोक दे तब भी आप कह रहे हैं कि भाजपा की जीत होगी, उनका कुछ खाता नहीं खुलने वाला? प्रियंका जी के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये लड़ना झगड़ना जो है, छोटे बच्चे हों तो अच्छा लगता है जब कोई इस तरह की बात करता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तमाम मुद्दे थे, आपको लड़ना चाहिए। इनको रायबरेली की जनता, जिसको ये गढ़ बनाते हैं, गढ़ कहते हैं, और रायबरेली की भोली भाली जनता ने इनको 40 साल सांसद दिया और इस देश का सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी दी, और इसी क्षेत्र से इंदिरा गांधी जी सीएम चुनी गई, प्रधानमंत्री चुनी गई, और इस देश, इस रायबरेली के लोकसभा के क्षेत्र के लोगों को दिया क्या? इन लोगों ने केवल यहाँ की भोली भाली जनता को लूटा है, घसोटा है और अत्याचार किया है। इस अत्याचार का जवाब 2024 के चुनाव में 5 लाख वोटों से कांग्रेस का खानदान और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज पर, मैं यशपाल राजपुरोहित। 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, तो यहां हम जनता से जानेंगे कि आखिर इस बार के चुनावी समीकरण रायबरेली सीट से क्या कहते हैं। सोनिया गांधी जी का राज्यसभा के लिए नाम मनोनीत हो चुका है, राजस्थान की ओर वो रुख कर चुकी हैं, तो ये सीट अब सस्पेंस बनी हुई है कि यहां से प्रियंका वाड्रा अपनी दावेदारी पेश करेगी या फिर रॉबर्ट वाड्रा। भाजपा ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जनता से जानते हैं कि इस क्षेत्र में आखिर विकास कितना हुआ है और यहाँ की जनता को क्या लगता है इस बार 24 के चुनाव में सियासी घटनाक्रम में किसकी दावेदारी मजबूत होगी। सर, जो अभी जो राजनारायण जी जब जीते थे, इंदिरा जी यहाँ से हारी थी, 77 था वो, और वो 77 दौर अब की 2024 में फिर रायबरेली दोहराएगा निश्चित तौर पे। आपको मैं बता दूं कि जिस समय सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ी, इसके पहले वाले 2019 में नामांकन किया, नामांकन करने के बाद चुनाव वो जीती, ये सही है। कुछ कम वोटों से हमारा प्रत्याशी बहुत कम वोटों से पराजित हुए, लेकिन 5 साल मैं सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, क्या 5 साल वो रायबरेली में एक भी बार यहां आई हैं? ये मेरा सवाल है उनसे कि एक भी बार रायबरेली की सुध लिया, जनता की सुध लिया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव डिफीट हुआ था, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विकास रायबरेली में, जैसे 80 जिलों में विकास हो रहा है, उस रायबरेली का भी विकास उसी हिसाब से हो रहा है। आज चाहे गरीबी की ले लो, आयुष्मान भारत कार्ड आज गरीबों में जिस तरह उनको 5 लाख का इलाज हो रहा है, उनका, उनकी आत्मा से पूछिए कि उनके जो जिस तरह उनके गहने और गुड़िया उनके घर में बिक जाते थे, आज वो दर्द 6,000 रुपये साला मोदी जी से किसी ने कहा नहीं था। मोदी जी की चूँकि गरीबी देखी थी, तो उन्होंने गरीबी को उनके अंदर भाव था, इसलिए 6,000 रुपये आज गरीबों को साल में उनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। आज तमाम योजनाएं, शौचालय, आज घर घर शौचालय, जो कि हमारे बहन बेटियों के लिए कितनी दिक्कत का सामना देखना पड़ता था, आज विकास की धारा, विकास की गंगा अगर बहाई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जनता के लिए काम किया, जनहित में काम किया है, और उसी जनहित के कार्य के लिए आज जनता चुनाव लड़ रही है, नेता नहीं लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ही रायबरेली में भगवा लहराएगी। 80 में 80 सीट में रायबरेली की उस माला में, उस गुरिये में रायबरेली भी गूथी नजर आएगी और आपकी कांग्रेस का यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। कांग्रेस यहाँ से निश्चित तौर पर हारेगी। मैं जानना चाहूंगा आपसे, आपने जो कहा 71 की शायद वो घटना थी जिसमें नहीं, लेकिन 71 में वो इंदिरा गांधी जीत गई थी यहाँ से, और उसके बाद में ही जो है हाईकोर्ट की ओर रुख किया गया था कि देखिए चुनाव में कुछ धांधली हुई है, उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव जो है अवैध होगा, और उसके बाद आपातकाल लग गया और 77 में इंदिरा गांधी हार गई थी। ये घटनाक्रम हुआ था। बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर, जब हम भाजपा ये जो 400 पार की बात करती है, इंडिया अलायंस एक साथ खड़ा हुआ है,
अलग अलग विपक्षी दल हैं, एक साथ खड़े हुए हैं और मजबूती से कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तानाशाह को रोकना है, लोकतंत्र की हत्या भाजपा करना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है, हमें इसको रोकना है, इसलिए हम सब एकजुट हुए हैं। हमारी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है एकजुट होने की। देखिए भैया, विपक्ष सिर्फ चुनाव के समय, एक जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, अभी वो अपनी तरफ, सपा अपनी तरफ चली जाएगी, ममता जी अपनी तरफ हो जाएंगी, जब चुनाव आता कि मोदी को कैसे हम डिफीट दें, मोदी को डिफीट कोई नहीं दे सकता, हिंदुस्तान में की जनता, उनके जनजन उनके साथ है, और जिसके साथ जनता जनार्दन है उसको ये विपक्ष उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। मैं आपको एकदम विश्वास दिलाता हूं कि जनता मोदी जी और योगी जी के साथ है। कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से बने, यहाँ से उसका सुपड़ा साफ, बोरिया बिस्तर अब की बंधना तय है। अब की रायबरेली में कमल खिलेगा खिलेगा खिलेगा, और ऐसा प्रत्याशी बड़ा चेहरा, प्रत्याशी हमारा कमल का फूल है। हाँ। जो कमल का फूल, जो निश्चित तौर पर रायबरेली में अब की खिलना तय है। हाँ। उस कमल के फूल को अब की खिलने से कोई कांग्रेस का कोई प्रत्याशी आ जाए उसको हारना, यहाँ से मुक्की खाना एकदम तय है। रायबरेली की जनता ने मन बना लिया है कि अब की हम कमल खिलाएंगे यहाँ पे। जेएमएम के एक नेता हैं, कह रहे हैं कि 400 सीटों की बात कर रहे हैं भाजपा और मोदी, 400 सीटें दूर की बात है, जमीन के नीचे 400 फीट अंदर गाड़ देंगे मोदी को। मोदी जी को गाड़ना खेल नहीं है बच्चों का, उसमें दिल निकल जाएगा अच्छे अच्छों का। मोदी जी वो शख्सियत हैं जो गरीबी के नीचे की पराकाष्ठा, जमीन के नीचे से भी गरीबी उन्होंने देखी है कि गरीबी होती क्या है, और गरीबों का सम्मान किया है। अभी इलाहाबाद में आपने देखा जिस तरह सफाई कर्मियों का उन्होंने पैर धो करके जिस तरह सम्मान किया। आज तक कांग्रेस 70 साल से हुकूमत कर रही है, कौन सी ऐसी फोटो आपने टेलीविजन और मीडिया के माध्यम से आपने देखा कि उसमें कांग्रेस ने इस तरह का सम्मान जो है सफाई कर्मियों का किया हो, गरीबों का किया हो। वो गरीबों मजलूमों के नेता हैं, और हमारे मोदी जी योगी जी गरीब उनके साथ खड़ा है। सर क्या नाम हुआ आपका? विजय वाजपेयी। विजय जी क्या लग रहा है आपको, चुनावी समीकरण क्या बैठता है? रायबरेली सीट चूंकि हॉट सीट है, यहाँ पर सभी की नजरें हैं। इस बार तो देखिए प्रियंका वाड्रा की एंट्री को लेके भी सस्पेंस बरकरार है, रॉबर्ट वाड्रा भी सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो रही है, भाजपा भी पत्ते खोल नहीं रही है, कैसे जीत पाएंगे? और 80 में से 80, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात हो गई। निश्चित रूप से ये रायबरेली की जनता किसी की गुलाम नहीं है। रायबरेली की जनता विकास के रास्ते पे है। जिस तरह से 2014 से लेकर के 2022 तक, और 2022 से अब तक रायबरेली में विकास के कार्य हुए हैं। माननीय मंत्री जी हैं रायबरेली से, दिनेश प्रताप सिंह, जिस तरह से वो जनता की जन आकांक्षाओं पर खरा उतर रहे हैं, जिस तरह से जनता का जुड़ाव उनकी तरफ है, जिस तरह से आम जनमानस उनकी किए गए विकास कार्यों से संतुष्ट है, आज उसके दम पे हम कहना चाहते हैं कि रायबरेली में कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। और ये जो तथाकथित लोग कह रहे हैं कि एक भ्रष्टावादी परिवार है, भ्रष्टाचारवादी परिवार जिसको लोग तथाकथित गांधी परिवार कहते हैं, ठीक है, अब की ये जो गढ़ था, ये किला था, निश्चित तौर पे वो ख़त्म होने वाला है। और रायबरेली का बेटा, रायबरेली का चिराग, रायबरेली से सांसद बनने वाला है, बनने वाले हैं जी। ये यूपी में अगर हम अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी की बात करें तो क्या वो योगी मोदी की जोड़ी पर भारी नहीं पड़े थे? राहुल गांधी लगातार यात्रा भी करते हैं, पहले भारत जोड़ते हैं, फिर न्याय भी मांगते हैं, लगातार कहते हैं कि देश में तानाशाही का माहौल है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और इस बार जो चुनाव है पूरे के पूरे विपक्ष का, इंडिया अलायंस का, ये इसी बात पर है कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ। यात्राएँ भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे हमारे रायबरेली में भी एक संकल्प यात्रा निकली, माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी ने निकाला, उस यात्रा में जनता का जुड़ाव था, जनता का आशीर्वाद था, जन आकांक्षाओं पे खरा उतरने का लगाव था। एक यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाले हैं जिनके साथ उनके पेड वर्कर थे। यात्राएं कई प्रकार की होती हैं, यात्राएं निकलती हैं, चुनावी मौसम होता है, एक महोत्सव है, यात्राएं निकलती हैं, यात्राएं आती हैं, यात्राएं जाती हैं, लेकिन जनमत किसके साथ है? जनमत भाजपा के साथ है। सांसद भाजपा का रायबरेली से बनेगा, कमल खिलेगा, इसमें कोई सोचने या समझने या संशय वाली बात नहीं है।
जी, अखिलेश यादव की हाल ही में हमने देखा है मुलाकात हुई, मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं, वो वहाँ पर स्नेह मिलन करते हैं। एक तरीके से कहा जाए अगर 80 सीटों की आप बात करते हैं तो वोट बैंक तो मुख्तार अंसारी की वजह से, वहाँ स्नेह मिलन की वजह से अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं खिसका रहे हैं, वहाँ पर और भी दावेदार हैं वो भी खिसका रहे हैं, इन सब के बीच 80 सीटें। बात अखिलेश यादव की है तो मुख्तार अंसारी की कब्र पे उतना अब्बास और उमर ना रोया होगा जितना वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव रो लेंगे, ठीक है ना। जो व्यक्ति अपने बाप का नहीं अपने चाचा का नहीं वो मुख्तार अंसारी और मुस्लिम समाज का कैसे हो जाएगा, ये सोचने की बात है। जिस तरह अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के मामले को लेकर के अखिलेश यादव ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जनता है ये जवाब देगी, क्योंकि जनता को विकास दिख रहा है। वो चाहे 2022 का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो, विकास दिखा है, विकास को लोगों ने स्वीकार किया है। और निश्चित तौर पे रायबरेली में अब की बार रायबरेली का चिराग ही सांसद बनेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। 400 पार आप मानते हैं ये जमीनी हकीकत लगता है? 400 पार काहे न हुई, वो तो होबे करी अब की बार। अब की बार रायबरेली से बेड़ा पार। अच्छा। और रायबरेली बिटवा सांसद बनी अब की बार बनी। या 400 पार के बाद ही कहते हैं संविधान बदलने की भाजपा की कहीं ना कहीं मंशा है, इस तरीके का विपक्ष आरोप लगा रहा है। लालू जी ये भी कह रहे हैं कि आंखें निकाल देंगे अगर किसी ने संविधान की ओर देखा भी तो। अब यह तो लालू कहाँ है, सोनिया कहाँ है, राहुल कहाँ है, वही से का फर्क अलग है। जनता कह रही मोदी और मोदी कह रहे हैं जनता, यही दो चीज़ें हम आप समझी। बाकी तो सोनिया तेरे आंचल में सारे भ्रष्टाचारी खड़े हुए हैं, अब ये तो सब समय बताएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 430 सीटों से ऊपर आएगी और हिंदुस्तान की जन आकांक्षाओं पर और जन भावनाओं पर मोदी जी खरे उतरेंगे। आपको कैसा लगता है? बिल्कुल सर, क्या नाम हुआ आपका? गिरीश ओझाना। मैं जी उदा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमने देखा है कि दिल्ली की सियासत में माहौल और गर्मा गया, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, अरविंद केजरीवाल जेल से बार बार पत्र लिखने की एक वो कहीं ना कहीं प्रथा शुरू कर चुके हैं, लगातार ये कह चुके हैं कि देखिए ये देश है, इस देश में कहीं ना कहीं मुझ जैसे जो कट्टर ईमानदार लोग होते हैं भाजपा उनके साथ ऐसा ही सलूक करती है। जेल से पत्र में ये भी कहते हैं कि माय नेम इज अरविंद केजरीवाल एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, भाजपा मेरे साथ मैं आतंकवादी जैसा सलूक करती है, ऐसा क्यों करती है भाजपा? देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करती है, उस पर काम करती है। अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी नेता हैं जिनको उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है, एक महान लेखक हुए हैं हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने लिखा था कि मेल कराती मधुशाला, और अरविंद केजरीवाल जी के रूप में हमने देखा है कि अब जेल कराती मधुशाला। अच्छा जी, जी हाँ। तो हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आज केजरीवाल समेत उनकी पूरी कैबिनेट जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली का जो है पलायन कर रही है, उसका मात्र कारण भ्रष्टाचार है। और पूरा देश जान चुका है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है मूल रूप से भ्रष्ट है और इसीलिए वो जेल जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि चुनाव में हरा सकते नहीं है, MCD हमने छीन ली है मोदी सरकार से, हुकूमत करके बैठी हुई थी, अब हमने छीन लिया है, अब चुनाव में हरा नहीं सकते हैं, तो एक ही तरीका बचा भाजपा के पास कि जेल में डाल दो, तख्ता पलट कर दो, राष्ट्रपति भी कहीं ना कहीं है तो शासन लागू कर देंगे, बस इस तरीके का एक माहौल है भाजपा के पास। देखिए ऐसा है कि विपक्ष में जो लोग बैठे उनके पास आज कुछ कहने का के लिए कुछ बचा नहीं है। तो बचा महाराज, लोकतंत्र की हत्या, तानाशाही हो रही है देश में, संविधान की सरकारों में, माननीय पत्रकार महोदय मेरे सम्मानित साथी, लोकतंत्र की हत्या इसके पहले की सरकारों में आप भी देखते थे और पूरी जनता जानती थी। आज जिस तरह लोकतंत्र का रक्षण हो रहा है, जिस तरह युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हो रही, किसानों के लिए बात हो रही है, आज भारत के ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देख रहा है, रोजगार के नए अवसर, कितनी तेज से सड़कों का निर्माण हो रहा है और यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में कई सारे बदलाव किए गए हैं, कई सारे कानून बना करके राष्ट्र को और यहाँ पर रहने वाले समस्त समुदाय के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व, पूरा भारत देश एक सशक्त भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से मैं आपसे, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का माननीय सदस्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये मंत्र है उसको अंगीकार करते हुए पूरा देश जो है विकास की ओर बढ़ रहा है। बुद्धिजीवी लोग हैं, कह रहे हैं कि ये 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, भारत को लेकर बड़ी बड़ी बात करते हैं, विश्वगुरु की बात करते हैं, गरीबी तो देश में वैसे ही बरकरार है, बढ़ती जा रही है, देश गरीब हो रहा है, राहुल गांधी आगे कह रहे हैं कि एक झटके में गरीबी खत्म कर दूंगा,
अब एक झटके में गरीबी खत्म करने का वादा कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में बात कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, तो लोग काहे नहीं जाएंगे उनकी ओर? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी तो बहुत कुछ कह चुके हैं, कभी वो आलू डाल के सोना बनाते हैं, तो न जाने कौन कौन से आविष्कार उनके झोले में रखे हैं। हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, वो जनता जिनको जवाब दे रही है। आज कांग्रेस रसातल पर उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार लोकसभा में 400 का पार जा रही है, और बहुत ही उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीत के आने वाली है। फिर पुनः केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की माननीय गढ़ जब कभी था अब गढ़ किसी का नहीं है। अब ये गढ़ आप देखिएगा आने वाले 20 मई को, और जब 4 जून को रिजल्ट निकलेगा निश्चित रूप से यहाँ पर कमल खिल करके माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली प्रियंका वाड्रा इस बार अगर चुनावी ताल ठोक दे तब भी आप कह रहे हैं कि भाजपा की जीत होगी, उनका कुछ खाता नहीं खुलने वाला? प्रियंका जी के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये लड़ना झगड़ना जो है, छोटे बच्चे हों तो अच्छा लगता है, जब कोई इस तरह की बात करता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तमाम मुद्दे थे, आपको लड़ना चाहिए। क्या लगता है 24 के चुनावी समीकरण की हम बात करें, रायबरेली में मौजूद हैं हम, ये हॉट सीट भी है, अब यहाँ से अगर खाता ना खुलता है तो ये 80 सीटों वाला दावा तो फुस हो जाएगा, 400 सीटों वाला दावा भी फुस हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपने अभी इससे पहले कहा था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा निकाली थी, अगर इनको न्याय ही करना था और न्याय यात्रा निकालनी थी तो इनके पूर्वजों से जरा सा सवाल लेना चाहिए कि क्या 1947 के बाद जो महात्मा जी की गांधी जी की सोच थी, पंडित सुभाष चंद्र बोस की सोच, आज़ाद की सोच थी, और जितने क्रांतिकारी हुए हैं उनकी क्या सोच थी, और इस देश को आज़ाद करने में उनकी क्या भूमिका रही है, इन कांग्रेसियों की क्या भूमिका थी, इन लोगों ने केवल सत्ता की मौज के लिए पाकिस्तान का बंटवारा किया और भारत माता के टुकड़े किए। दूसरी चीज़, 1947 के बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ और उसमें 92,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया भारत सरकार के सामने, तब इंदिरा जी प्रधानमंत्री जी उनकी सोच क्या थी, मेरा भूभाग चाइना के पास, भारत तोड़ो इन्होंने किया। 1947 में पाकिस्तान गंवाया, अक्साई चीन गंवाया, पीओके गंवाया और बांग्लादेश गंवाया। ये लोग भारत जोड़ने की बात करते हैं तो शर्म आती है, इस देश का आम नागरिक सोचता है, और इतिहास में जाने के बाद ये पता चलता है कि इन लोग असली देश को भारत माता के टुकड़े करने वाले हैं, इन लोगों का इस देश की सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब जब न्याय की बात करते हैं तो इन लोगों ने 1971 के बाद जब 77 में इंदिरा गांधी हारती हैं और DIR मीसा लगाया जाता है, इन देश के आम नागरिकों के ऊपर कितना विभत्स अत्याचार किया जाता है, जेलों में बंद किया जाता है, नाखून उखाड़े जाते हैं, इन कांग्रेसियों से पूछने की आवश्यकता है कि इन लोगों ने किस तरीके से इस देश पे शासन करने के लिए कितना कुचक्र रचा और आम नागरिकों का कत्लेआम कराया। इस देश में जातिवाद का दंश इन्होंने दिया, जातिवाद बोया, मजहबवाद किया, परिवारवाद किया, भ्रष्टाचारवाद किया, आकाश से लेके पाताल और नभ से लेके गगन और धरती के धरातल तक इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये माफ़ करने वाले नहीं हैं। इनको रायबरेली की जनता, जिसको ये गढ़ बनाते हैं, गढ़ कहते हैं, और रायबरेली की भोली भाली जनता ने इनको 40 साल सांसद दिया और इस देश का सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी दी, और इसी क्षेत्र से इंदिरा गांधी जी CM चुनी गई, प्रधानमंत्री चुनी गई, और इस देश, इस रायबरेली के लोकसभा के क्षेत्र के लोगों को दिया क्या? इन लोगों ने केवल यहाँ की भोली भाली जनता को लूटा है, घसोटा है और अत्याचार किया है। इस अत्याचार का जवाब 2024 के चुनाव में 5 लाख वोटों से कांग्रेस का खानदान और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है।